छात्रों अपडेट पर जो है वो हम बने हुए हैं। कल भी जो है वो वहां पर कुछ फायरिंग हुई थी, लेकिन आज ऑपरेशन को जो है वो क्लोज कर दिया गया। जो हमारे पास डिटेल्स मिल रही हैं और डिटेल्स ये मिल रही हैं कि जो मिलिटेंट्स थे वो वहां से फरार होने में जो है वो कामयाब हुए, लेकिन हमारा जो है वो लॉस हुआ है। यहाँ से 2 जवान हमारे शहीद हुए हैं, तकरीबन 5 के करीब जवान जो है वो जख्मी हुए हैं इसमें। अगर हम बात करें इस एनकाउंटर की, जो 2 दिन चला और जो सर्च ऑपरेशन जो है वहाँ पर चला, उसके बाद जो मिलिटेंट्स हैं वो सिक्योरिटी फोर्सेस को चकमा देने में जो है वो कामयाब हुए, क्योंकि उस इलाके में काफ़ी बारिश भी हो रही थी और वेदर भी जो है वो काफ़ी ख़राब था। और जो नाइद गांव के ऊपर का जो फॉरेस्ट एरिया है, ये बहुत दुश्वार एरिया है और काफ़ी घने जंगल का एरिया था। इसलिए जो सिक्योरिटी फोर्सेस है उन्होंने ऑपरेशन को जो है वो फिर क्लोज कर दिया, क्योंकि वहाँ पर और भी जो है वो कोलेटरल डैमेज हो सकता था, यानी कि हमारा लॉस हो सकता था। लेकिन अभी जो है वो एडजॉइनिंग एरियाज़ में जो है वहाँ पर कॉर्डन जो है वो अभी भी जारी है, और जो इलाका जिसमें ये मिलिटेंट्स छुपे हो सकते हैं उस पर जो है वो लगातार नज़र बनाई रखे हुए हैं जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं। हमने आपको बता दें कि ड्रोन्स का भी जो है वो इस्तेमाल किया गया, हमारे पास सारे विजुअल्स वगैरह आए थे, लेकिन हमने वो ये समझ कर नहीं दिखाया कि उससे जो है वो हमारी सिक्योरिटी की पोजिशन को जो है वो कंप्रोमाइज़ हो रहा था। मैंने कल भी जो है वो इस पर ज़्यादा अपडेट नहीं किया, क्योंकि हम चाहते थे कि जो सिक्योरिटी फोर्सेस है वो अपना काम वहाँ पर करें, और हम नहीं चाहते थे कि इस इंसिडेंट पर जो है वो बाल बाय बाल कमेंट्री करें, क्योंकि लगातार डिफरेंट डिफरेंट इलाकों से जो है वो एनकाउंटर्स की खबरें आ रही हैं। पुंछ से में एनकाउंटर की खबर आई, आज कुठवा में एनकाउंटर हुआ, आज अभी वहाँ की भी जो है वो डिटेल्स नहीं आ रही है, और आर्मी ने भी जो है वो पूरी डिटेल्स जो है वो इस बारे में नहीं रिलीज़ की, ना ही पुलिस ने, सिवाय इसके कि जो 2 आर्मी जवान हमारे जो है वो शहीद हो गए और उनको जो है वो कल भी श्रद्धांजलि दी गई, उनका अंतिम संस्कार भी जो है वो फुल मिलिट्री ऑनर में जो है वो किया गया। इसके अलावा जो आर्मी और सिक्योरिटी फोर्सेस हैं उन्होंने जो भी गुजर और बकरवाल कम्युनिटी के लोग जो इस वक्त पहाड़ों पर और ढोकों पर हैं, उनको हिदायत की है कि वो मिलिटेंट्स की प्रेजेंस की वजह से जो सिक्योरिटी कंसर्न हो सकता है, इसलिए उनको इंस्ट्रक्शंस दी गई है कि वो जल्द से जल्द अपने ढोक और अपना माल लेकर जो है वो जो हायर रीचेज़ है उनको जो है वो खाली कर ले, क्योंकि अब सितंबर का महीना जो है वो आधे से ज़्यादा जो है वो ख़त्म हो चुका है, और अगले 1 हफ्ते के बाद जो है वो बकरवाल जो है वो माइग्रेशन शुरू करना जो है वो करते हैं। हालांकि कुछ इलाकों से जो है वो माइग्रेशन शुरू हो गई है, लेकिन अब सिक्योरिटी फोर्सेस ने और आर्मी ने जो लोग हैं वहाँ पर उनकी सेफ्टी और सिक्योरिटी के मद्देनज़र रखते हुए जो गुजर और बकरवाल कम्युनिटी के लोग हैं उनको जो है वो हिदायत दी है कि वो जो है वो अपने डोक लेकर अपना माल लेकर जो है वो नीचे अब मैदानी इलाकों में आए, क्योंकि अब आगे चलकर जो है वो वेदर भी ठीक नहीं है और मिलिटेंट्स की प्रेजेंस की वजह से उनको जो है वो जान को और उनके माल को जो है वो खतरा भी हो सकता है, और साथ साथ में जो मिलिटेंट्स हैं वो उनका इस्तेमाल करके वहाँ पर उनका खाना जो है वो यूज़ कर सकते हैं, उनके जानवर। पिछले बार हमने ये भी देखा कि किस तरह से जो है वो बेडू लेकर जो है उनके मारे गए थे, ज़बह किए गए थे खाने के लिए जो मिलिटेंटों ने इस्तेमाल किया था। हालांकि कुछ जगह से ये भी खबरें मिली थी कि उन्होंने उसके पैसे भी जो है वो चुकाए थे। अभी किश्तवाड़ में सिक्योरिटी सिचुएशन पर जो है वो नज़र रखी जा रही है, क्योंकि इलेक्शन जो है वो यहाँ पर पहले फेज़ में 18 तारीख को होने हैं। कल होम मिनिस्टर अमित शाह जो है वो किश्तवाड़ में 2 जनसभाओं को जो है वो संबोधित करेंगे, एक तो चौगानगंज किश्तवाड़ में और दूसरा जो है वो गुलाबगढ़ पाडर में। इससे पहले कल प्रधानमंत्री भी जो है वो उन्होंने डोडा में जो है वो जनसभा को संबोधित किया और आतंकवाद पर जो है उन्होंने खास बात कही कि आतंकवाद जो है वो कम हो गया है और हम आतंकवाद को जो है वो ख़त्म करेंगे। हालांकि जो ये नए मिलिटेंट्स यहाँ पर घुसे हैं और जो नई इन्फिल्ट्रेशन हुई है और जो एनकाउंटर्स हो रहे हैं उनके बारे में प्रधानमंत्री ने तो ज़्यादा कुछ नहीं कहा, लेकिन मैं इस वीडियो के ज़रिए लोगों से अपील करता हूँ कि वो सिक्योरिटी फोर्सेस और आर्मी को जो है वो मदद करें इन मिलिटेंटों के साथ निपटने में। हालांकि जो पुलिस और आर्मी है उन्होंने ऑलरेडी हर एक मिलिटेंट पर 5-5 लाख रुपये का जो है वो कैश रिवार्ड अनाउंस किया,
गया है और लोगों को ये भी जो है वो यकीन दहानी दिलाई गई है कि उनके नाम जो है वो सेक्रेट रखे जाएंगे। ये एक जॉइंट एफर्ट है, मेरी लोगों से अपील है कि जो अगर उनके पास इस तरह की कोई इन्फॉर्मेशन हो, मैं पहले भी कहा है कि उस इन्फॉर्मेशन को सोशल मीडिया पर शेयर ना करें क्योंकि उसके बाद अफरा तफरी भी मच जाती है और जो मिलिटेंट्स हैं वो होशियार भी होते हैं क्योंकि हमारे सोशल मीडिया को जो है वो पाकिस्तान से जो है वो मॉनिटर भी किया जा रहा है, वाच भी किया जा रहा है और जो मिलिटेंट्स के सिंपथाइजर्स है, जो OGWs है, वो भी जो है वो लगातार जो सोशल मीडिया है उसको फॉलो कर रहे हैं। यहाँ तक कि मीडिया के जो पोर्टल्स हैं, उनके जो फेसबुक प्रोफाइल्स हैं या उनके जो यूट्यूब चैनल्स हैं, उन पर भी जो है वो मॉनिटरिंग कर रहे हैं कि किस तरह की जो है वो इस तरह के एनकाउंटर्स के बारे में जो है वो वहाँ से खबरें जो है वो चढ़ रही हैं और क्या क्या डिटेल्स जो है वो वहाँ से शेयर हो रही है। मेरी लोगों से रिक्वेस्ट है कि वो पुलिस और जो आर्मी है कहीं भी जाकर जो है वो इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। यहाँ तक कि अगर उनका कोई नज़दीकी तहसीलदार है या नासिक नायब तहसीलदार है या कोई वीडियो है ऑफिस में है, वहाँ पर भी जाकर वो चुपके से उस ऑफिसर को जो है वो इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। अगर उनके पास पुलिस का या आर्मी के किसी ऑफिसर का नंबर नहीं है, वो उनको जो है वो वहाँ पर ट्रांसफ़र इन्फॉर्मेशन जो है वो कर सकते हैं। तो मेरी लोगों से रिक्वेस्ट है कि वो मदद करें और जो ये मिलिटेंसी अब नए से यहाँ पर पनपी है, जिस तरह से पहले चिनाब वैली के लोगों ने मिलकर सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ यहाँ पर इन सब का सफाया किया था और यहाँ पर अमन कायम किया था, उसी तरह से एक बार फिर से लोग जो है वो सिक्योरिटी फोर्सेस और पुलिस के साथ मिलकर जो है वो एक जॉइंट जो है वो एक इंटेलिजेंस नेटवर्क क्रिएट करेंगे जहाँ से इंफॉर्मेशन आएंगी, ताकि जो ये मिलिटेंट यहाँ पर हमारे एरियाज में घुस आए हैं उनका जो है वो सफाया किया जाए। आप सबका सुनने के लिए और देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।